अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मेयर पॉइंट। तो हुंडई लवर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, और वो ये कि हुंडई एलांट्रा का जो अपना प्रोडक्ट है उसमें 1.6 वेरिएंट लॉन्च करने जा रहा है। हुंडई ने मार्च 2021 के अंदर अपना न्यू प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान में लॉन्च किया था, और वो था एलांट्रा। और उसको बहुत अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स मिला पाकिस्तानी मार्केट में, क्योंकि उसने एक अच्छा हैंडसम कंपटीशन जो दिया उस सिविक फोर ग्रैंडी को दिया। और पामा की सेल्स फिगर्स को भी हम देखें तो एक साल के अंदर एलांट्रा के 2800 यूनिट्स जो हैं वो सेल हुए। इसकी सेल्स मज़ीद बेहतर हो सकती थी कि अगर कंज्यूमर के पास ऑप्शन होता बेस वेरिएंट का या दूसरे अदर वेरिएंट्स का टॉप वेरिएंट्स के मुकाबले में। तो जैसे कि ग्रैंडी के पास है, सिविक के पास है, तो बेस वेरियंट्स पर भी ज़्यादा कंज्यूमर चले जाते हैं। तो अब बेसिकली 1.6 लॉन्च करने का यही मकसद है कि टोयोटा यारिस और टोयोटा होंडा सिटी जो है उसके टॉप वेरिएंट्स को भी काउंटर किया जाए एलांट्रा के थ्रू। तो हुंडई का ये मूव जो है वो काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि अगर कंज्यूमर के पास बेस वेरिएंट का भी ऑप्शन हो तो सेल्स पे काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है। तो एलांट्रा की जो एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात करें, 1.6 वेरिएंट जो लॉन्च होने जा रहा है, तो एक्सटीरियर बिल्कुल सेम होगा 2.0 जो सिंगल वेरिएंट पहले पाकिस्तान में चल रहा है उसकी तरह बिल्कुल सेम उसका एक्सटीरियर होगा। इनसाइड द केबिन कुछ चेंजेस की जाएंगी और फीचर्स भी कुछ मेर आई थिंक माइनस किए गए हैं। वो क्या फीचर्स माइनस होंगे और क्या चेंजेस हैं वो अभी हुंडई ने डिस्क्लोज नहीं किया है। बस अभी सोर्सेज के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ हुंडई 1.6 को ऑफिशियली लॉन्च कर देगा। इसकी प्राइस की भी बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यारिस और सिटी के टॉप वेरिएंट्स को भी काउंटर करना है, तो उसके मुताबिक ही इसकी प्राइस रखी जाएगी। और सोर्सेज के मुताबिक यही पता चल रहा है कि 3.5 टू 3.8 मिलियन के दरमियान इसकी प्राइस रखी जाएगी। तो कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा, और टेक केयर।